Chinwara district is home to the Pench Tiger Reserve. So it sits in the Tiger Belt. And our partners, WWF and Shrijan, work with over 6,000 tribal farmers there in working on production of organic cotton, as well as finding markets for them. So we really thank both Sangeeta Kumari and Ankush Patil for joining us today here on this very important platform. तो बताइए आप चिंदवारा कहाँ पर है कितनी दूर है बॉम्बे से approximately 912 किलोमीटर ओनली और आप ट्रेन से आए हैं या एग्जैक्टली और बॉम्बे में पहली बार है आप या दिस इज फर्स्ट टाइम ग्रेट और आपकी संगीता दीदी पहली बार और ऐसे फैशन शो में जिसमें भी पहली बार आए हैं ग्रेट एक्चुअली मेरी भी पहली बार ही है इतने बड़े फैशन शो में आने की तो थैंक यू इतनी दूर से आने के लिए तो बताइए आपको तो पता ही होगा कि कपास कॉटन जो होता है वो फैशन इंडस्ट्री के लिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है राइट तो आज आप जैविक खेती करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो इसके बारे में थोड़ी बताएंगे सबको देखिए गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू देखिए कॉटन तो सभी यूज़ करते हैं आज सभी कॉटन के कपड़े पहनना चाहते हैं बट कोई ये नहीं उनको ये नहीं मालूम कि कॉटन उगाने के लिए बहुत सारे रसायनों का यूज़ किया रासायनिक जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है जो हानिकारक होता है सभी के लिए खुद के लिए और सॉइल वहाँ जमीन के लिए और इन्वायरमेंट के लिए राइट बट इसका एक जो सबसे बढ़िया जरिया आया है वो है जैविक खेती तो जैविक खेती में हम कोई भी रासायनिक खाद यूज़ नहीं करते कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालते खेतों में हम खुद खाद बनाते हैं वो भी नैसर्गिक तरीक़ों से जैसे सच लाइक गोबर खाद एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो उसमें कोई केमिकल ना डालने की वजह से वी हैव लॉट ऑफ बेनिफिट टू एनवायरमेंट ऑल्सो एंड ह्यूमन खुद को भी बहुत अच्छा हेल्थी मिलता है ठीक है और right. कितने साल से आप कर रहे हैं तीन साल yeah. और आप संगीता दीदी आप कितने साल से कर रहे हैं जैविक खेती हम भी पिछले 3 साल से ही कर रहे हैं जैविक खेती और ये कपास में सिर्फ कि और कोई क्रॉप्स में भी जी नहीं कपास के जो बीच में दो लाइन हम तुअल के डालते जिसे हरहर कहते हैं तो उसमें भी हम केमिकल वाला ऐसा कुछ नहीं डालते रासायनिक जैसे इसमें हम कुदरती ही डालते तो जैसे एक ही फार्म में वो कॉटन भी उगाते हैं और खाने की चीज़ भी उगाते हैं जी ठीक है तो आपको क्या लगता है कि आगे जाकर आप कंटिन्यू करेंगे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जी इससे तो आगे जाकर करना ही चाहिए क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है और हमारे ज़मीन के लिए भी और हमारे पर्यावरण के लिए भी और हमारे अपने खुद के लिए भी और कल के लिए भी क्योंकि रासायनिक वाला जो डालते हैं हम उसमें तो हजारों रंग की बीमारियां तैयार होती जैसे हमारे लिए खुद के लिए भी और पर्यावरण में भी दूषित होता है और आने वाले जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं रासायनिक डाल के ज़मीन की जो नमी है उसे हम ख़त्म कर रहे हैं तो नमी बनाने के लिए हमें कुदरती ही यूज करना चाहिए You know, to keep the soil fertile, to keep it thriving, you have to use natural methods. You use chemicals, and that's going to destroy the soil, which is very important for us. So, आपका मुझे interesting लगा कि आप इतने young हैं. कितने साल के हैं आप? 32 years old. 32. और आपने graduation किया है. Yeah, exactly. Bhopal University. तो आज के दिन में तो हम देख रहे हैं कि यंग फार्मर्स जो हैं छोड़कर जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए ये सब तो आपको क्या मोटिवेशन है यहाँ पर टिकने के लिए देखिए वहाँ ग्राउंड लेवल में बहुत चैलेंजेस है किसानों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ उसका गैप कम कर सकें और आने वाले नई जनरेशन को कुछ अच्छा दे सकूँ बस यही चल रहा है और कुछ कोशिश चल रही है अच्छा करने की
और जब एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तो फिर उसके बाद जॉब में जाएंगे. बट राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी. ओके ओके. और आप बताइए आपका मोटिवेशन क्या है जैविक खेती करने जी? मेरा तो जैविक को आगे बढ़ाने का है. जहाँ तक हम देख रहे हैं जैविक को कोई समझ नहीं पाता कि जैविक क्या है. मतलब गांव के जो किसानी करते हैं वो खुद भी नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन देखा जाए तो हम आगे के लिए यही जरूरी है हमारे लिए, तो जैविक करना ही चाहिए. क्योंकि हम खाते भी हैं पहनते भी हैं, तो रासायनिक वाला क्यों खाए और क्यों पहने? ठीक कहा आपने. और एक चीज़ इन सब जो फैशन दुनिया के लोग हैं यहाँ पर, जो कपास में कॉटन में अगर आप जैविक करते हैं या केमिकल फार्मिंग करते हैं ऑर्गेनिक और केमिकल में, वो जो फील होता है कपास का उसमें कुछ फ़र्क आता है? आप बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कॉटन है और ये केमिकल या कन्वेंशनल कॉटन है टच करके? नहीं, ऐसा कुछ टच करके आपको फील नहीं आएगा. यू कांट इमेजिन द डिफरेंस बिटवीन रासायनिक कॉटन और ऑर्गेनिक कॉटन. आपको वो फील नहीं मिलेगा. बट जब पहनने के बाद यू कैन रियलाइज आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. रासायनिक कॉटन में आपको यू विल फील लॉट ऑफ, जैसे इचिंग हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आप फेस करोगे. पर ऑर्गेनिक कॉटन में को आपको आप हेल्थी महसूस करोगे, राइट? और आपको कोई बीमारियों का कोई खतरा नहीं रहेगा. और देखिए होता क्या है, एक पेड़ होता है, पेड़ को मतलब बड़ा करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किसान क्या करता है, मोस्ट प्रोबली फर्टिलाइजर का यूज़ करता है. तो जितना ज़्यादा वो फर्टिलाइजर खेतों में डालेगा उतना कहीं ना कहीं आउटपुट ज़्यादा होता है. तो वो चीज़ उस कॉटन में आती है, कहीं ना कहीं आती है, और उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे और हम सब लोगों पे आता है. आज हम कॉटन पहनते हैं, पर कॉटन का नेक्स्ट लेवल क्या है, जो टॉप लेवल क्या है, वो है ऑर्गेनिक कॉटन, राइट? कॉटन इज द नॉट, वो लेवल नहीं है. जो ऑर्गेनिक कॉटन है वो नेक्स्ट लेवल है, टॉप लेवल जिसे आप कह सकते हैं कॉटन का, राइट? गोल्ड स्टैंडर्ड जो बोलते हैं. ठीक है, तो जहाँ पर है हम इतनी दूर हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारे डिज़ाइनर्स है, ब्रांड्स है, फैशन के स्टेक होल्डर्स है इंडस्ट्री में से, तो आपका कुछ उनसे आशा है, आपका कुछ मैसेज है यहाँ पर देने के लिए इन सब लोगों को, कुछ मैसेज बताना चाहते हैं अब दोनों भी? देखिए मैसेज तो बहुत है पर समय का कान बहुत कम है, तो मैं शॉर्ट में अपना बात कहना चाहूँगा. जैविक खेती एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे पूरी दुनिया चाहती कि जैविक होना चाहिए, जैविक खाना चाहिए, जैविक पहनना चाहिए और जैविक रहना चाहिए. क्योंकि रासायनिक खेती अगर करोगे, रासायनिक पहनोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी नई जनरेशन को आप कुछ दे नहीं पाओगे. तो आप अगर अपनी जनरेशन को कुछ देना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको जैविक खेती के लिए करना होगा. क्योंकि रासायनिक खेती हम करते हैं तब हमें इनपुट कॉस्ट ज़्यादा आता है, राइट? इनपुट कॉस्ट जो लागत मूल्य वो ज़्यादा आता है. उससे एक बेनिफिट ये मिलता है कि हमको प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. बट जैविक खेती में ऐसा नहीं है. जैविक खेती में इनपुट बहुत कम है बट प्रोडक्शन भी बहुत कम है. प्रोडक्शन बहुत कम है और इसी वजह से हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता. और जब बेनिफिट नहीं मिलेगा तो किसान करेगा क्या? कहीं ना कहीं उस गैप को, जो इनपुट कॉस्ट और जो प्रोडक्शन का जो गैप है उसको अगर मेंटेन कर ले आप लोग सब, तो वी विल. अभी मैं एक एकड़ में खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 5 एकड़ है. तो मैं ये गैप अगर मैनेज हो जाएगा तो मैं 5 एकड़ में करूँगा. यही एक गैप है जो अगर आप सब लोग मेंटेन कर ले तो कहीं ना कहीं जैविक के लिए हम मोटिवेट हो जाएंगे और लार्ज लेवल पे करेंगे. बस